नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा मंडल का 6वां असाइनमेंट है, यह आ गया है 10वीं कक्षा का। देखिए यहाँ पर आज 28 तारीख को, ये 27 तारीख को ये आ गया है। आप क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्यूशन करके जमा कर सकते हैं। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन है उसको समझाऊंगा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसको पढ़ करके मैं हिंदी में समझाते चलता हूँ और उसके अनुसार से आप धीरे से अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, रीड द पैसेज, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। नीचे दिए गए पैराग्राफ आप उस पढ़िए और साथ ही उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे में इसी से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड एच हेल्थ ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम का एक संगठन है। ही इज डिक्लेयर्ड द न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक। WHO ने ये घोषणा किया हुआ है कि विश्व में एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, वो फैल रहा है, आउटब्रेक, उसका विस्फोट हुआ है। विस्फोट होना मतलब फैलना, बढ़ना। तो यह एक कोरोना नाम का वायरस है, वो फैला हुआ है। उस स्वास्थ्य WHO ने ऐसा डिक्लेयर किया, घोषणा किया हुआ है, बताया हुआ है। उन्होंने आगे बताया विच ओरिजिनेटेड इन वुहान चाइना ए पेंडेमिक। यह पेंडेमिक मतलब महामारी, यह महामारी चाइना के वुहान शहर से जन्म लिया हुआ है, उत्पन्न हुआ है। और ये ओरिजिनेटेड मतलब होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ओरिजिनेटेड का मतलब होता है यहाँ पे उत्पन्न होना। तो हमें यहाँ पे पहला वाला लाइन समझ में आया, क्या बोला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषणा किया हुआ था कि कोरोना वायरस नाम का एक बहुत ही बड़ा बीमारी है, वो फैली हुई है, जो कि वुहान शहर के, चाइना के वुहान शहर के, वुहान शहर से यह इसका उत्पन्न हुआ है, यह उत्पन्न, यह महामारी उत्पन्न हुई है। द वायरस हैज़ एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्प्रेड अमॉन्ग ह्यूमन विथ केसेस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सच दैट द ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, सॉरी हाँ, सच दैट ओवरऑल केसेस वर्ल्ड वाइड रोज रैपिडली। देखिए यहाँ पे क्या बोला, यह वायरस, द वायरस हैज़ एक्वायर्ड द एबिलिटी, इस वायरस की बड़ी ही भयंकर क्षमता है। क्या क्षमता है, टू स्प्रेड, फैलने की। कैसे फैल सकता है यह, अमॉन्ग ह्यूमन विथ केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। यदि लोग अपने आपस में घनिष्ठता रखें, आपस में नज़दीक रहने लगें, आपस में ही लोग रहने लगें, तो इससे कई सारे लोगों में फैलने की इसकी अपनी क्षमता होती है, इस बीमारी की क्षमता होती है। सर जैसे कि सच दैट, जैसा कि दैट द ओवरऑल केसेस वर्ल्ड वाइड रोज रैपिडली। और इन्हीं के कारण जैसे आप देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसके केस हैं वो रोज़ रैपिडली बड़ी ही जल्दी से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि लोगों के आपस में मिलने जुलने से ही यह वायरस है वो एक दूसरे में और ज़्यादा फैल रहा है। द WHO हैज़ डिक्लेयर द आउटब्रेक ए ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी। इसीलिए WHO, इस संस्था ने पूरे विश्व में ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी, विश्व स्वास्थ्य आपातकाल, इसकी घोषणा कर दी है कि आप स्वास्थ्य को बनाए रखें, सबसे खतरनाक वायरस आपका कोरोना वायरस है, वो फैला हुआ है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, ऐसा करके उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है। COVID-19 सिम्टम्स कैन बी इंक्लूड, और इस कोरोना वायरस, उन COVID-19 का जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो क्या क्या होते हैं, कैन इंक्लूड, इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती है। पहला तो फीवर, फीवर है, समझ रहे हैं, फीवर मतलब बुखार, कफ, गले में खराश और खांसी आना, इन शॉर्टनेस ऑफ हेल्थ, साथ ही शरीर में कमजोरी महसूस होना। तो ये कुछ कुछ लक्षण हैं, अगर आपको COVID-19 को, और कोरोना वायरस है वो अगर आपके ऊपर फैल रहा है, आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप इन इन लक्षणों को देख करके समझ सकते हैं। और इसको दूर, इससे बचने का क्या सबसे सरल तरीका है, एन ईजी वे टू डिक्रीज इन्फेक्शन रेट्स। आप इसके प्रभाव के दर को डिक्रीज करना, कम कर सकते हैं,
एक सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, इज टू अवॉइड वायरस एक्सपोजर, भाई जो वायरस को आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, पीपल फ्रॉम इंडिया शुड अवॉइड ट्रेवलिंग टू कंट्रीज हाईली अफेक्टेड विद द वायरस। भारत के लोगों को चाहिए कि ये क्या करें, उन देशों में यात्रा कम करें जहाँ पे पहले से ही अधिक लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हों। ऐसे शहरों पे, ऐसे देशों पे लोगों को यात्रा नहीं करना चाहिए, हमारे भारत देश के लोगों को इस बात ध्यान रखना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस फॉर प्रॉपर हाइजीनिक, हमें निश्चित रूप से ज़्यादा साफ सफाई को ध्यान देना चाहिए और इसका निरंतर अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। प्रैक्टिस यहाँ पे अपने जीवन में उपयोग करना, प्रैक्टिस मतलब वैसे अभ्यास करना होता है, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना भी प्रैक्टिस ही कहलाता है। एंड अवॉइड कंज्यूमिंग फूड दैट इज़ नॉट होम कुक्ड, और क्या कर सकते हैं आप, तो साफ सफाई रखना ही चाहिए, हाइजेनिक मतलब होता है साफ सफाई रखना। यहाँ पे बोला गया है अवॉइड कंज्यूमिंग फूड, और क्या ध्यान रखना है कि हमें दूर रहना है, कौन से खानों से दूर रहना है, दैट इज़ नॉट होम कुक्ड, जो घर में ना बने खाने इससे बचना है, हमें बाहर के खाने को बिल्कुल भी नहीं खाना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आप इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही दूर रह सकते हैं। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस सम मेजर्स आर टू बी प्रैक्टिस्ड सच एज वियरिंग अ मास्क, देखिए नीचे कुछ सावधानियां दी हुई हैं जिनसे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं अगर इनका उपयोग करें तो अपने जीवन में। पहला तो वियरिंग ए मास्क, हमें मास्क लगाना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉश, नियमित रूप से हाथ धोते रहना चाहिए, यूजिंग सैनिटाइजर, बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग किए करना चाहिए, एंड अवॉइडिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अफेक्टेड पर्सन, जिसे वायरस प्रभावित किया हुआ है उससे प्रत्यक्ष आमने सामने में ना मिले, दूरी बना करके रखें। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना वायरस से दूर रहेंगे। वी शुड कीप अवर बॉडी हाइड्रेटेड, हमें हमारे शरीर को जितना हाइड्रेट मतलब होता है पानी, जल, इसकी जल की भरपूर मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए, हमारे शरीर को पूरा पानी युक्त जल युक्त बनाना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। ईट हाई प्रोटीन मील्स, अधिक प्रोटीन की मात्रा हो ऐसी भोजन करना चाहिए। एंड कीप ऑन डूइंग योगा एंड मेडिटेशंस टू बी सेफ एंड से हेल्दी, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर योगा का अभ्यास करना चाहिए और साथ ही मेडिटेशन, मन को शांत करने वाले कई सारे अभ्यास हैं उनका करना चाहिए, इससे हम सुरक्षित महसूस करेंगे और साथ ही हेल्दी स्वस्थ महसूस होगा। इस प्रकार से आपका ये कोरोना वायरस का ये हमारा पैराग्राफ था प्यारे बच्चों। इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्न चार ऑप्शन में से कोई एक का चयन करके खालिस्तान को भरिए। द WHO हैज़ डिक्लेयर्ड COVID-19 एज ए ब्लैंक, WHO ने इस COVID-19 को कौन से समस्या, किस प्रकार की समस्या को का नाम दिया है, स्टेट हेल्थ इमरजेंसी, राज्य स्वास्थ्य आपातकाल, कंट्री लेवल हेल्थ इमरजेंसी, देश स्तरीय स्वास्थ्य आपातकाल, या फिर ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी, विश्व स्वास्थ्य आपातकाल बोला, या फिर पर्सनल इमरजेंसी, या निजी आपातकाल के बारे में यहाँ पे कोरोना वायरस को बताया है। तो आप देख लीजिए, आपको ऑप्शन में अभी ऊपर में पढ़े ही हैं, उसमें से एक ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में बोलता है, ब्लैंक इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ COVID-19, कोरोना वायरस का कौन सा, चार जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा लक्षण है जो नहीं है, कोरोना वायरस का नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन है नहीं है पूछा है, हमने इस पार्ट में पढ़े हैं कोरोना वायरस का सिम्टम्स लक्षण पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं, कौन है जो नहीं है उसके लक्षण, फीवर, कोल्ड और कफ, सर्दी और खांसी बोला है, ब्रेथलेस, सांस लेने में परेशानी, फीवर, बुखार और अंतिम वाला है प्रॉब्लम्स इन आई साइट, आँखों में परेशानी, देखने में परेशानी। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा सही आंसर आपके लिए है। आगे दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट, नीचे दिए गए पाठ में एक अंडरलाइन शब्द है और उस पूरे वाक्य को पढ़िए और उस अंडरलाइन शब्द के अर्थ को नीचे जो तीन दिए हैं उसमें से किसी एक का चयन कीजिए। द वायरस हैज़ एक्वायर्ड द एबिलिटी ऑफ स्प्रेड अमॉन्ग ह्यूमन विद केस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, देखिए हमने पढ़ा हुआ था कि इस वायरस की
एक ऐसी क्षमता है कि लोगों के आसपास होने से, लोगों से, लोगों में रहने से यह फैलता है। तो ये इसमें ट्रांसमिशन शब्द का उपयोग किया था। तो ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन, बातचीत करना, कंट्रोल, नियंत्रित करना, क्लोज, पास पास आना। इस प्रकार से अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। दूसरा बोलता है वी शुड प्रैक्टिस फॉर प्रॉपर हाइजेनिक। हमें निश्चित रूप से हाइजेनिक होनी चाहिए। इसमें हाइजेनिक होना मतलब क्या? टीडी डर्टी, क्लीनलीनेस। टीडी छोटा, डर्टी गंदा, क्लीनलीनेस साफ सफाई। तो देख लीजिए क्या आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है फुल फॉर्म ऑफ WHO, WHO का पूरा नाम क्या है? इसको लिख लीजिए। अपोजिट ऑफ इंक्रीज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट इज, आप ऊपर में पढ़े इंक्रीज का उल्टा अपोजिट एक शब्द उपयोग हुआ है, उसको खोजिए और लिखिए इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा। चौथा क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स वी शुड ऑब्जर्व टू प्रिवेंट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या क्या सावधानियां कर सकते हैं, आपने ऊपर में पढ़ा है उसको लिखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन और आंसर है जो आपके पार्ट से है डेड इज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट का, जो मैंने लेसन में पढ़ाया हुआ था। पहला बोला व्हाट आर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली ऑफ डैडी डैड इज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। इस पार्ट के अंतर्गत डैडी इज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट इस पार्ट में आपने पढ़ा, उसके अनुसार से इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ, व्हाट आर द इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, लेखक के घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी, देख लीजिए आप आंसर लिखिए इसका। हाउ वॉज द नरेटर एबल टू कम्प्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट ऑफ हर फादर, अपने पिताजी के आधे अधूरे लेख को इन्होंने किस प्रकार से पूरा किया। इनके क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। दो नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी तीन नंबर का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, छः नंबर का, सावधानी से करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोलता है डू एज डायरेक्टेड है, ग्रामर का है। पहला बोला यू डू यूर वर्क इन टाइम, तुम्हें तुम्हारा समय, तुम्हारा काम समय में करना चाहिए। इसे आपको चेंज इंटू इंटेरोगेटिव, आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। इसको जानते हैं कैसे बनाया जाता है, तो अभ्यास कीजिए और बनाइए। दूसरा राम हेल्प्स हिज फादर इन फील्ड, राम अपने पिता का सहायता करता है कहाँ पे, खेत में। राम अपने पिता का खेत में सहायता करता है, आपको इम्फेटिक बनाना है डू डस डिड का यूज करके, इसको बदलना है। तीसरा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन, आपको रिलेटिव प्रोनाउन शब्द का उपयोग करके इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ना है। दिस इज द प्लेस, यह वह जगह है। द मैच विल बी प्लेड, यहाँ पे खेल होगा। तो इस प्रकार से उन्हें जोड़िए। आपको ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हैं, कई बार 5 पॉइंट दिए रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वाले कॉलम में एक हिंदी में समझना और दूसरे वाले कॉलम में उसको मिलाना, सही जोड़ी बनाना है। क्या है उसका मीनिंग है, उसके साथ में मिला हुआ है, तो आपको उसी को बस ध्यान देना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो पहला बोला दिस इज द बेंच, यह एक वह बेंच है, यह वह बेंच है। अब आगे यहाँ से आप बी पुल में खोज लीजिएगा। दूसरा में शी ओपन द विंडो, शी ओपन द विंडो, वह खिड़की खोली थी। द मैन हुम यू मीट, व्यक्ति जिसे आप मिले। वी कैन आइदर स्टार्ट नाउ, हमें या तो शुरू करना चाहिए। द बॉय, पांचवा, द बॉय हु केम हियर, लड़का जो यहाँ आया हुआ था। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, कड़ी मेहनत करते हो। ये ए पुल का हो गया, बी में देखते हैं। और वेट फॉर हिम टू कम, या फिर इंतजार करो उसके आने का। बी में इज योर प्रिंसिपल, यह तुम्हारा प्रिंसिपल था, प्रधानाचार्य। यू विल विन द मैच, तुम मैच को जीत जाओगे। डी में वेयर आई यूजली सिट, जहाँ मैं अक्सर बैठता हूँ। बिकॉज द रूम वॉज हॉट एंड स्टफी, क्योंकि यह रूम गर्म है और बहुत ही तप 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 रहा है। एफ लास्ट है, इज ए हॉकी प्लेयर, वह एक हॉकी खिलाड़ी है। तो इस प्रकार से ये पूरे क्वेश्चन है वो मैंने हिंदी में समझा दिया बच्चों। आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी के लिए यूजेबल है। और अंत तक देखने के लिए थैंक यू।